नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। विलियम शेक्सपियर एक ऐसे लिटरेचरार हैं, एक ऐसे साहित्यकार हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जिन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी है सभी साहित्यकारों में जो सबसे सर्वोपरि है। इनका नाम हर कोई जानता है। विलियम शेक्सपियर एक ऐसे सितारे हैं इंग्लिश लिटरेचरार में, एक ऐसे ड्रामाटिस्ट हैं जो कि लाखों की भीड़ में अलग चमकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। विलियम शेक्सपियर, इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 स्टैटफोर्ड अपॉन वॉन वार्विकशायर एक बहुत ही कृषि प्रधान बहुत ही सुंदर गांव है, जहां पर एक प्लेस है जहां पर इनकी जन्म हुआ था इंग्लैंड में। इनके पापा जॉन शेक्सपियर एक एग्रीकल्चरल डीलर थे और ग्लव मेकर थे। इन्हें अपने बचपन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ही हाई वैल्यू थी और इनके पास कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। इनकी मॉम मैरी आरन पास्टिक गांव की बहुत धनी व्यापारी की बेटी थी। ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। विलियम शेक्सपियर की प्रारंभिक शिक्षा स्टार्टफोर्ड के ग्रामर स्कूल में हुई। ये यूनिवर्सिटी नहीं जा सके क्योंकि इनके पास, मैंने आपको बताया, अच्छी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, इसलिए इन्होंने यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त नहीं कर पाई। पर फिर भी यूनिवर्सिटी डिग्री ना पाते हुए भी इनके पास इतना ज्ञान, इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज थी कि ये उनके ड्रामा में हमें देखने के लिए, उनके सोनेट्स और उनके पोएट में हमें देखने के लिए बहुत ईजिली मिल जाएगा। शेक्सपियर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम उनके ड्रामा, उनके सोनेट, उनकी पोयम में खुद जान सकते हैं, खुद उनसे साक्षात मिल सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। शेक्सपियर ने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी प्रेमिका मैरी एनी हैथवे से शादी कर ली थी। जब वह सिर्फ और सिर्फ 18 साल के थे, उन्होंने एनी से 17 नवंबर 1582 में शादी कर ली थी। एनी हैथवे विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। इनको 3 बच्चे हुए, 2 लड़की 1 लड़का, लड़कियां सुशैना और जूडिथ और लड़का हैमलेट था, जिसकी मृत्यु 11 साल की उम्र में ही हो गई थी। हैमलेट जो कि शेक्सपियर का बेटा है, उनकी किसी बीमारी के चलते 11 साल की उम्र में मृत्यु हो जाने के कारण ही शेक्सपियर ने एक अपनी ड्रम एक स्केच बुक लिखी थी हैमलेट करके, जो कि कुछ हमें इसी से उत्प्रोत लगती है जब वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में और टेंस मूवमेंट में थे। 1586 में वो लंदन गए जॉब की तलाश में, ताकि उन्हें एक अच्छी सी जॉब मिल सके लाइफ जीने के लिए। वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही माइनर स्टेज प्लेयर के रूप में कहा काम करने को मिला, जहाँ पीछे वो पर्दा हटाते और गिराने का काम मिला था, जहाँ पर उन्होंने ये सीखा कि कैसे एक प्ले को एक्ट किया जाता है, कैसे एक प्ले को लिखा जाता है। यही सब देखते देखते उन्होंने सबसे पहला प्ले अपना लव्स लेवर लॉस्ट लिखा था 1592 में। और आगे चलते चलते इन्होंने और भी बहुत सारे ड्रामास, पोएम्स और सोनेट्स लिखे हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। ये एक फ्रीडम राइटर थे जिन्होंने बहुत सारे स्टोरीज ड्रामा लिखे हैं, और ये एलिजाबेथ के समय के भी राइटर हैं। इन्होंने एलिजाबेथ का समय भी देखा हुआ है और इंग्लैंड में रोमांस रेनेसांस इन्हीं के समय में आया था। इनके समय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। 4 पॉइंट्स में हमने इनके समय को बांटा हुआ है। पहला समय इनका था इन द वर्कशॉप, जो कि शुरुआती था, जब इन्होंने शुरुआत में कुछ अपने मेजर राइटर्स दिखाए थे। दूसरा है इनका इन द वर्ल्ड, तीसरा आउट ऑफ डेप्थ और चौथा है ऑन द हाइट। इन्हीं 4 पॉइंट्स को हमने इनके समय में विभाजित किया है। तो पहला समय हम देखते हैं इन द वर्कशॉप। इन द वर्कशॉप ये समय विलियम शेक्सपियर के लिए पीरियड ऑफ ड्रामेटिक एक्सपेरिमेंटेशन भी माना जाता है, जब उन्होंने शुरू शुरू में ही लिखना स्टार्ट किया था ड्रामास और सोनेट्स को।
ये समय शुरू होता है 1588 से और ख़त्म होता है 1594 से स्टार्ट होता है 1594 तक। इस समय उन्होंने, ये उनका फर्स्ट फेज था जहाँ पर उन्होंने ब्रिलियंट प्लेज लिखे जैसे हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट, टीटस एंड्रेस, द कॉमेडी ऑफ एरर, लव्स लेवर लॉस्ट, हेनरी सिक्स का पार्ट फर्स्ट भी उन्होंने इसी में लिखा, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रिचार्ज थर्ड सेकेंड एंड अ मिडसमर नाइट ड्रीम। ये इस समय उन्होंने एक बहुत ही ग्रेट ब्यूटी एंड स्प्लेंडर चीज़ें लिखी, बट ये कुछ उन्हें इतनी खासी प्रख्यात फेमस नहीं कर पाई। उसके लिए आने वाला समय इन द वर्ल्ड, इसमें इन्होंने ग्रेट कॉमेडीज लिखी और बहुत ही क्रोनिकल प्लेज लिखे। ये पीरियड 1594 से 1600 तक माना जाता है, जिसमें लोगों को ये लगा कि शेक्सपियर का जो सेंस ऑफ ह्यूमर और जिस लिखने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका था। उन्होंने इतने ग्रेट एंड ब्रिलियंट प्लेज लिखे, ब्रिलियंट कॉमेडीज लिखी जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोगों ने पढ़ा उस समय में। बाइबल के बाद सेकेंड टेक्स्ट यही थे विलियम शेक्सपियर के जिनको लोग बहुत पढ़ना पसंद करते थे। ये प्लेज हैं ऑल वेल्स दैट एंड वेल्स, रोमियो जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ, किंग जॉन, द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर, हेनरी सिक्स का पार्ट सेकेंड एंड द ट्वेल्थ नाइट। ये काफ़ी ब्रिलियंट कॉमेडीज और प्लेज ड्रामास हैं जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे। ये हमें बताते हैं कि वो बहुत जल्दी मैच्योर होने लगे थे और एक बेटर अप्रिसिएशन ह्यूमन नेचर को दे रहे थे। मोस्टली विलियम शेक्सपियर के प्लेज में हमको ये देखने मिलता है कि वो प्लीज कर रहे हैं लोगों से इस वर्ल्ड के लिए। थर्ड हमारा जो हमने उनको समय बांटा है, तीसरा समय है उनका आउट ऑफ डेप्थ। आउट ऑफ डेप्थ इनका तीसरा समय है शेक्सपियर का ड्रामेटिक कैरियर का, और जो कि 1601 से लेकर 1608 तक 1601 टू 1608 तक एक्सपेंड था। इस समय उन्होंने ग्रेट ट्रेजिडीज लिखी, क्योंकि मैंने आपको बताया उनका बेटा हैमनेट जिसकी डेथ हो गई थी उस कारण उन्होंने ट्रेजिडीज लिखना शुरू कर दिया था, जिसमें थोड़ी बहुत तो कॉमेडी होती थी बट आउट ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन और टेंथ और ट्रेजिडीज ज़्यादा होती थी इस समय में। तो उन्होंने जूलियस कैजर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, इस समय में उन्होंने ये कुछ प्लेज भी लिखे जिसका नाम है ट्रियुलस, कैलोपेट्रा। इस समय उन्हें बहुत ही ज़्यादा ग्लूम और डिप्रेशन में थे। इन दिस पीरियड ही वॉज अंडर ग्रेट मेंटल प्रेशर एंड ही सफर्स एक्यूटली। सो इन्होंने इस समय में ये चीज़ें लिखी। चौथा समय कालीन हमने इनका बांटा है ऑन द हाइट्स, जब इनको पीक ऑफ सक्सेस मिल चुकी थी, ये लोगों के बीच में एक सितारा बन चुके थे। ये समय है 1608 से 1612 तक। शेक्सपियर ने पीस वर्ल्ड को दी, जैसा हमने देखा कि थर्ड टाइम पर उन्होंने ट्रेजिडीज लिखी, बहुत ग्लूम और डिप्रेशन में थे, बट फोर्थ टाइम स्टेज में उन्होंने प्लीज करना शुरू कर दिया, पीस के लिए लोगों से बोलना शुरू किया। तो इस समय में उन्होंने जो इमॉर्टल प्लेज लिखे हैं वो हैं क्लेममाइन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट एंड हेनरी एट। दिस पीरियड प्रोवाइड्स एन अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट विद द अर्लियर ट्रेजेडिक पीरियड। ये समय हमको बहुत ही ज़्यादा मीन्स की पीस प्रदान करता है, बहुत ही अलग रूप हमें दिखाता है विलियम शेक्सपियर का कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया और आगे बढ़े। इन्होंने एक थिएटर भी ज्वाइन किया था जहाँ पे ये अपने प्लेस को एक्ट करवाया करते थे, अपने प्लेस को परफॉर्म करवाया करते थे। इसका नाम है द चैम्बरलेन मैंस। ये इन्होंने एक पार्टनरशिप में खोला था 1594 के टाइम पर, और विलियम शेक्सपियर की मृत्यु के टाइम पर वह अपने बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें छोड़कर गए थे, बट अपनी वाइफ के लिए एक टूटा फर्नीचर छोड़कर गए थे, जो कि ये दर्शाता है कि विलियम शेक्सपियर अपनी मैरिड लाइफ से हैप्पी नहीं थे जस्ट बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस बिटवीन एनी
एन एंड विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की डेथ उन्हीं के विलेज स्टैटफोर्ड इंग्लैंड में हुई 1616 में 23 अप्रैल को। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो विलियम शेक्सपियर को लेकर? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।